महंगाई पर लगाम लगाना मोदी सरकार के लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। स्थिति ऐसी होती जा रही है जैसे महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है और मोदी सरकार फेल साबित होती जा रही है। जी हां, एक बार फिर बेलगाम घोड़े की तरह भागने वाली महंगाई ने पिछले 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, साथ ही जनता को भी बेबस कर दिया है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि न खाऊंगा न ही खाने दूंगा। भले ही उन्होंने ये बात उस वक्त बेईमान लोगों के लिए कही थी, लेकिन अब तो स्थिति ये है कि मोदी के राज में ईमानदार लोग ही नहीं खा पा रहे हैं। इसकी वजह है महंगाई का बोझ, जिसे जनता के कंधों से उतारने के लिए पीएम मोदी तैयार ही नहीं है, बल्कि उनके राज में ये बोझ दुगना होता जा रहा है। इस हकीकत को बयां करते हैं दिसंबर में बढ़ी खुदरा महंगाई के आंकड़े। दरअसल खाने पीने की चीजें महंगी होने से दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में फिर इजाफा हो गया है। महंगाई दर बढ़कर 7.35% हो गई है, जबकि नवंबर में खुदरा महंगाई दर 5.54% थी। इसके अलावा खाद्य महंगाई दर में भी साल के आखिरी महीने में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवंबर में खाद्य महंगाई दर 10.01% थी, जो दिसंबर में बढ़कर 14.12% हो गई है। इस महंगाई ने तो पिछले 6 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि जुलाई 2016 के बाद दिसंबर 2019 पहला महीना है जब महंगाई दर रिजर्व बैंक के अपर लिमिट 2.6% को पार कर गया है। इससे पहले जुलाई 2014 में खुदरा महंगाई दर 7.39% थी। यानी साफ है कि अपने 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि सीधा विकास की जगह महंगाई को बढ़ा दिया। लेकिन ये हाल सिर्फ दिसंबर का नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से देश इसी महंगाई की चपेट में है। कभी सब्जियां महंगी होती हैं, तो कभी दूध और कभी तेल, और ये सरकार केवल देखती रहती है जबकि जनता महंगाई के चक्कर में पिसती रहती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।